शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इन बीसीएन न्यूज में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आए दिन बिजली के बिलों के दामों को लेकर हर जगह हमें आंदोलन होते दिखाई दिए हैं। इसी के तर्ज पर आम आदमी पार्टी द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है। पूरी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता संजय मीरे जी, इनसे क्या है पूरी जानकारी जानते हैं उन्हीं से। संजय जी, क्या है पूरी जानकारी, क्या बताओगे कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर, क्या पूरा वाकया है, क्या बताओगे? बिल्कुल क्षितिजा जी, इस समय में हम सदर के उच्च अधीक्षक अभियंता यानी महावितरण ऑफिस के सामने में खड़े हैं, जहाँ पे कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा यहाँ के अधीक्षक अभियंता दिलीप दोटे इन्हें एक ज्ञापन दिया गया था कि जिस प्रकार से ये जो बिजली के जो बिल बढ़ चुके हैं तो उसकी रोकथाम हो, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया था। वे जाते ही तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चीजें उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, ये बताए कि जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी महावितरण पे जो दस्तक दी है, क्या मुख्य वजह है, क्यों दी है दस्तक? महामारी का समय है, इस समय लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, और महावितरण कंपनी ने लोगों को बहुत ज्यादा 3 महीने के बिल एक साथ भेजे, जिसके कारण लोग मुसीबत में पड़ गए। आम आदमी पार्टी क्योंकि हमारा भी फर्ज है समाज के प्रति कुछ करने का, तो हम लोग उनके समर्थन में आज महावितरण कंपनी से मांग कर रहे हैं कि जो पुराने बिल हैं 3 महीने के बिल हैं वो तुरंत माफ किए जाएं। और इस आंदोलन में हम लोग एक चीज का पालन कर रहे हैं, कानून का पूरा पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मुंह में मास्क लगा के रखे हैं, पुलिस की जो भी निर्देश हो रहे हैं उसको पालन कर रहे हैं, किंतु चूंकि इसका विरोध करना है इसलिए हम लोग महावितरण के जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है उनको हम लोग ज्ञापन देने का। मैम, क्या कहना चाहूंगी आप जिस प्रकार से आज सड़क पर उतर के आप लोग आंदोलन कर रहे हो, ज्ञापन भी दे रहे हो बिजली के बिल को लेकर? सर, आज की पोजीशन देखा जाए तो हर एक नागरिक बहुत परेशानी में, ज्यादा से ज्यादा लेबर हो गए, ऑटो वाले हो गए, उनके 4 से 6 महीने का जो काम था वो आज भी बंद है, आज भी ऑटो वाले नहीं निकल रहे, आज भी चाय की दुकानें, सब्जी भाजी वालों का थोड़ा बहुत चला भी मार्केट उन पर नहीं मिली, और अभी भी सामने बढ़ने के चांसेस नहीं है, 6 महीने तक लोगों को तकलीफ होने वाली है। तो मैं कहूंगी कि इस बार ये तकलीफ रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये जो 200 यूनिट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि 3 महीने का भी मार्च से तक मार्च अप्रैल और मई का जो लॉकडाउन शुरू हो गया वो बिल उन्होंने कैंसिल करना चाहिए, लोगों को देना ही नहीं। अभी जैसे जैसे बाहर निकले हैं थोड़ा बहुत वो फिर भी घूम घूम के खाली हो रहे, और एक भी ना तो रोड पे सवारी है ना कुछ है, ना लोगों को काम धंधा है, ना खाने की, इतनी अड़चने आ रही है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी ये है कि मध्यम वर्गियों पे आने वाली है, जो एक शिक्षक की भूमिका में हमेशा रहते थे, और आज उनकी परिस्थिति यूं है ना वो सामने आ सकते ना पीछे जा सकते, पर वो घर में खा भी नहीं सकते और अपना दुख दर्द बता भी नहीं सकते क्योंकि वो रोड में नहीं उतरना चाहते। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का मार्च अप्रैल मई का पूरा टोटली गरीबों का बिल माफ करना चाहिए, वो गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्ग हो, सभी को 3 महीने का बिल माफ करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जब कमाने का साधन ही नहीं है तो कहाँ चलेंगे। सरकार के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने अपने खाते खोल दिए, शराब की दुकानें शुरू करवा दी, वो जो कमाना कमा सकते थे, पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए है, अभी बिजली बिल के भाव बढ़ा दिए, वो क्या करेंगे, उनके पास तो पैसा ही नहीं, सरकार का खजाना खाली हो गया तो उन्होंने अपना काम बराबर कर दिया, अपना खजाना भरना शुरू कर दिया, पर पब्लिक को जो भेज रही है उसके लिए क्या? आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जो स्लम एरिया का आप नेतृत्व करते हो, स्लम जो बस्तियां होती है उन्हें भी काफी ज्यादा बढ़ के बिल आए हुए हैं, ऐसे में वहाँ की क्या परिस्थिति है, क्या कहना चाहोगे आप सब? मैं पिछले 3 महीने से स्लम में कोरोना लॉकडाउन लगा है, उस समय से उसके पहले भी मैं स्लम का काम करता हूँ, लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन में मैं बहुत पास से देख रहा हूँ स्लम की जो परिस्थिति है वो इतनी बिकट है, क्योंकि स्लम के अंदर में जो बर्तन के लिए जो भाई लोग काम करती है, कुछ जो लेबर मजदूर है बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, ऐसे मजदूर जो है स्लम में रहते हैं, और इनके पास में 3 महीने से किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं था। अब रोजगार नहीं था, कैसा भी सरकार ने या स्वयंसेवी संस्थाएं जैसा हमारे आम आदमी पार्टी ने, हमने राशन की किट उनको 3 महीने तक प्रोवाइड किए, लेकिन अभी कुछ दिन हुए कि थोड़ा लॉकडाउन खुला है, लेकिन पूरे तरीके से अभी काम चालू नहीं हुआ है,
उसके बाद में सरकार ने 3-4 महीने का बिल एक साथ उनको दे दिया है। आप मुझे बताइए, स्लम में ऐसी परिस्थिति है कि अभी के तारीख में आपको ठीक है आप गेहूं चावल दे दिए, लेकिन गेहूं चावल के बाद तेल लगता है, नमक लगता है, मिर्ची लगती है, उसके लिए तक उनके पास पैसा नहीं है और आप 5,000-6,000 रुपए का उनको बिल भेज रहे हैं, तो ये बिल वो लोग कहाँ से भरेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार 12-12, 13-13 हजार करोड़ अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों की माफ कर सकती है तो ऐसे मुश्किल समय में जो स्लम एरिया के लोग है और जो मीडियम क्लास लोग है उनका बिल पूरा का पूरा माफ होना चाहिए, मेरा यही कहना है। इनका ये कहना है कि जो अडानी हो अगर इनके जो बड़े बड़े जो नामचीन लोग है, पैसे वाले लोग है, जो उद्योगपति है, बड़े बड़े लोग है, उनके बिलों का माफ किया जा रहा है, मगर अब तो जहाँ मध्यम वर्गीय हो या गरीब हो इनके बिलों को माफ नहीं किया जा रहा है या उन्हें कुछ भी रियायतें नहीं दी जा रही है, वो जल्द से जल्द मिले। ऐसे स्लम में काम करने वाले कुछ आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बात कही है, सर आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में 200 यूनिट फ्री कर सकते हैं तो हमारी महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकती, ये सवाल है हमारा। सेकंड ये है कि राहुल साहब ने चुनाव के बीच में एक उद्देश्य रखा था कि हम 100 यूनिट फ्री करेंगे महाराष्ट्र नागपुर में, वो भी नहीं हुआ। और इस कोरोना महामारी में जो स्लम एरिया है, ऐटो वाले हैं, मजदूर लोग हैं, ये मजदूर कहाँ जाएंगे? सरकार ने गवर्नमेंट नौकरी जो करते हैं उनका तो घर गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो चाय टपरी ऐटो वाले गरीब है, स्लम एरिया वाले हैं, बेरोजगार इंसान है, वो लोग कैसे बिल भरेंगे? इतना बड़ा हुआ बिल दे दिया है, तो उद्देश्य है कि इन्होंने अपना बिजली का बिल इस तरीके से बड़ा हुआ बिल जो भेजा है वो माफ करना चाहिए, 200 यूनिट फ्री करना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। सवाल ये आता है कि 200 यूनिट अगर फ्री कर दिया जाए तो क्या यह समस्या का हल होगा? क्योंकि आए दिन लोगों को तो बिजली का उपयोग तो करना पड़ता है और सरकार जो है महावितरण भी चलाती है, बिजली को निर्माण किया जाता है, ऐसे में बिजली सभी को घरों में जाती है। अब सवाल यह आता है कि बिल बढ़ा है इस तरह के ये लोग बार बार बता रहे हैं। सर आप क्या करना चाहोगे? अग्रवाल साहब, डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ में, क्या करना चाहोगे? मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता की तरफ से हमारे ऊर्जा मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल समय में कम से कम 200 यूनिट हर प्रति व्यक्ति का कम किया जाए, इतना तो भी कम से कम सरकार कर सकती है। इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का इंडस्ट्रियल का इतना पैसा गवर्नमेंट माफ करती है, तो इस समय इस मुश्किल घड़ी में इन बीसीएन न्यूज चैनल हमारा कम से कम इस मुहिम में बहुत साथ दे रहा है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एनर्जी मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम सभी का 200 यूनिट कम से कम माफ किया जाए 3 महीने। बिल्कुल, कोरोना 3 महीने का बिल माफ किया जाए ऐसा इनका मानना है। क्षितिजा जी आपको थोड़ा ये बता दूं कि इस समय में हम अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण की ये जो कंपनी जो कार्यालय है ये परिसर में हम लोग हैं। अब थोड़ा सुभाष उधर प्रयान के देखिए, पुलिस का भी यहाँ पे बंदोबस्त है, कोई भी अनुचित घटना नहीं घटना चाहिए, इससे पुलिस का भी बंदोबस्त दिखाई दे रहा है। कुछ पुलिस वाले बैठे हैं, किसी के मुंह पे मास्क भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ मास्क है, कुछ खड़े है। संजय जी मैं यही पूछना चाहूंगी, ये जो आंदोलन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क, जो भी नियम दिए गए हैं उसका पालन यहाँ किया जा रहा है या नहीं? बिल्कुल, जहाँ पालन की बात है तो कुछ लोग इसका पालन करते हुए नजर आ रहे, तो वही कुछ लोग है इसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे। कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह पे भी मास्क नहीं है और पुलिस वालों के भी मुंह पे मास्क नहीं है। कहने की तो बात है कि हर कोई ये कहता है कि हम इसका पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखी जा रही है, एक बात तो कहना होगा, और पुलिस का भी बंदोबस्त अच्छा है, पुलिस भी यहाँ पे पूरी अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है ताकि अंदर जाके कोई भी ऐसी धांधली ना हो, गड़बड़ ना हो। लेकिन अधीक्षक अभियंता दिलीप दौड़ के हर किसी का ज्ञापन ले रही है, उनके बातों को समझ रही है और जो ज्ञापन आएगा उसको फॉरवर्ड अगली बार करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ शिवसेना से लेके आप संजय जी मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि हर किसी का ज्ञापन जो अधीक्षक अभियंता है दौड़के जी वो ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कितने ऐसे लोगों ने ज्ञापन दिया है? और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, चाहे गिरीश व्यास हो, कृष्णा खोपड़े हो या फिर प्रवीण दटके हो, ऐसे तमाम पार्टी के लोग आकर उन्होंने एक ज्ञापन दिया था। उसके बाद शिवसेना के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आकर ज्ञापन दिया और अब की बार आम आदमी पार्टी की ओर से भी ज्ञापन देने के लिए शिष्टमंडल अंदर में जा चुका है, वो लोग ज्ञापन दे रहे हैं, तो वही कार्यकर्ता को 3 या 5 लोगों के ऊपर में अंदर में नहीं भेजा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, जिसके चलते बाकी के कार्यकर्ता बाहर में खड़े हुए नजर है और हर किसी की निगाह उस निवेदन के बाद तो अधीक्षक अभियंता क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर में सबकी निगाह टिकी हुई है। जब हमने अधीक्षक अभियंता
दिलीप दौड़के से बात किया तो उन्होंने ये कहा कि सबको बिल भरना जरूरी है। हमने ये भी पूछा कि सर आए दिन पेपर अखबार की जो सुर्खियां होती कि किसने भी बिल नहीं भरना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक प्रवीण दटके ने यह कहा था कि बिल नहीं भरना है, नहीं भरना होगा, तो लोग विधा मनस्थिति में है, भरना है नहीं भरना, इस बात से जब हमने बात किया उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिल तो सभी को भरना होगा, उसमें कुछ रियायतें दी जाएगी और लोगों में जो उस प्रकार की परेशानी हो रही है वो समस्या को छुड़ाने के लिए पूरी तरह से महावितरण तैयार है। ऊर्जा मंत्री से भी बात हो रही है, जो बड़े बड़े जो अफसर लोग हैं उनसे भी बात हो रही है और किसी भी तरह से शहर के नागरिकों को कोई भी तकलीफ ना हो इसके लिए पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों को ऊपर में जो एक समस्या आ पड़ी थी। निवेदन देके देख सकते आप हमारे साथ देखिए, ये निवेदन देके आए हुए ये निवेदन के क्षितिजा जी, ये निवेदन की कॉपी है जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिया है। सर क्या 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 कहा था अंदर में? हमने यही डिमांड रखी है कि आर्थिक मंदी की वजह से, आर्थिक तकलीफ की वजह से सभी लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो ये पुराने दर के हिसाब से जो पुराना इनका ये महीने का बिल होगा उसी हिसाब से लगाया जाए, बढ़े हुए दर ना रखाया जाए। 200 यूनिट तक के बिजली 3 महीने के लिए फ्री की जाए गरीब इंसान को, और 16% की जो ड्यूटी है वो रद्द की जाए, और ये निवेदन सरकार का किया जाए। हमने ऑल ओवर महाराष्ट्र ऐसा आज हर जिले के अंदर में, तहसील के अंदर में हमने आज ये काम किया है, आज यहाँ पर भी नोटिफिकेशन दिया है। उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो बात को समझेंगे और इस चीज को लागू करेंगे, ताकि लोगों को, उन्होंने इतनी बात माना है कि 2 या 3 इंस्टॉलमेंट हम देने के लिए तैयार है। आप सर आप क्या कहना चाहोगे? पूरे देश के लिए सबक है, जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के चीफ मिनिस्टर है वो उनसे सीख रहे हैं किस तरीके से बिजली के रेट को कम किया जा सकता है या फ्री में दिया जा सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भी महाराष्ट्र सरकार से उद्धव ठाकरे जी से मांग है, क्योंकि नागपुर के अंदर में हम देखते हैं कि बिजली यहाँ पैदा होती है, तो एक नागपुर वालों की मन से एक इच्छा है कि यहाँ पर बिजली के जो रेट है वो कम किए जाए। साथ ही साथ जो 200 यूनिट की बात है, जो हमारी मांग है कि 200 यूनिट किया जाए, और अगर सरकार ये चाह रही है, जो हमारे ऊर्जा मंत्री है नितिन राव जी ये चाह रहे हैं कि 100 यूनिट तक की बिजली रेट कम होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, तो वो अपनी बातों को जल्द से जल्द अमल में लाए। वो ये ना कहे कि भाई लॉकडाउन है इसलिए हम समिति का निर्णय अभी तक जल्द से जल्द नहीं आ पाया। समिति का जो निर्णय है वो आपके हाथ से, समिति जल्द से जल्द निर्णय लाए, 15 दिन के अंदर निर्णय लाए, ताकि लोगों को इसका जल्द से जल्द राहत मिले। अगर आपकी मांगों को दरकिनार कर देते हैं प्रशासन, तो आपकी रणनीति क्या होगी मैम? जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हमारा ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को वाकई बहुत दिक्कत है। ये निर्मला बाई है, काम करने वाली बाई है, और इनका 6,000 का बिल आया है, और इन्हीं की तरह जाने कितने लोग होंगे जिनका बहुत ज्यादा ज्यादा बिल आया होगा। तो हम लोगों ने उनको यही रिक्वेस्ट किया है कि सरकार के साथ सरकार भी सोचे, और ये अपनी जो हमारी डिमांड है आगे सरकार तक लेके जाएंगे, और यही बिल्कुल अब ये बिल्कुल एक महिला है जो बर्तन मांजने का काम करती है, उनसे जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? निर्मला जी, ये बताइए कि क्या कहना चाहोगे आप? कितना आया हुआ है? 4,460 रुपए इनको बिल आया हुआ है, और ये चाहती है कि हमारा बिल कम होना चाहिए, क्योंकि इन्हें क्या तनख्वाह मिल जाएगी ये तो अनुमान हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि वो बर्तन मांजने का काम करती है, स्वाभिमान से जीना चाहती है, मगर क्या करे, बिजली के बिल यदि इतने आते हैं तो इनके घरों में अंधेरे के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। सरकार प्रशासन ध्यान दे, और जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने 200 यूनिट जो माफ किए उसी तरह से, उसी तर्ज पर अगर महाराष्ट्र की सरकार भी ये काम करती है, तो यकीनन शहर के हर उस नागरिकों को या राज्य के हर उस नागरिकों को एक बहुत बड़ा आधार हो जाएगा, और काफी अच्छा कामकाज भी होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इस प्रकार के कामकाज होना लाजमी है, क्योंकि लोगों की तनख्वाह नहीं हुई है, लोगों के पूरी तरह से दुकानें बंद थी, यही एक काम था कि जिसके चलते लोग पैसे भरने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता था लॉकडाउन नहीं रहता था, सुचारू ढंग से लोगों के कामकाज रहते थे, 2 पैसा आता जाता रहता था, तो लोग बिल भी भरते थे, क्योंकि इसके पहले की सरकार ने भी इसी तरह से बिल बढ़ाए हुए थे और लोगों ने उसको भरा भी था। मगर अफसोस कि लॉकडाउन के चलते ये जो कामकाज हुआ है, जिसके चलते आज लोगों के जेब में भी लॉकडाउन लग चुका है, सरकार इस ओर ध्यान दे और इन लोगों का जीवन संवर्धन करे,
इनके घर में उजाला हो, प्रकाश हो, रोशनी हो, इसलिए इनके बिल माफ करे। यही लोकतंत्र में जीने वाले इन तमाम तमाम करोड़ों लाखों शहरवासियों की मांग है। क्षितिजा जी धन्यवाद। संजय जी दी हुई जानकारी के लिए। अब बिजली के बिल जो है हर दिन बढ़कर जो आ रहे हैं शहर में, हर और हम यही देख रहे हैं कि बिजली के बिलों से जो है सामान्य जनता परेशान हो चुकी है। अब महाराष्ट्र सरकार जो है इस पर क्या फैसला सुनाती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल वक्त हो चला है यही रुकने का। नमस्कार।